नमस्कार, बहुत स्वागत आपका देसी भारत चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त धर्म दुबे। बॉलीवुड की प्रख्यात सिंगर हैं पायल देव, जो आजकल भोजपुरी सिनेमा में भी बहुत ही ज्यादा सक्सेस हो चुकी हैं। कमरिया हिला रही है सॉन्ग को लेकर, कमरिया हिला रही है सॉन्ग में पायल देव ने भोजपुरी के सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह साहब के साथ गाया गाना, और कमरिया हिला रही है देखते ही देखते 8 करोड़ से ज्यादा व्यूज इस सॉन्ग को मिल चुके, जिसके बाद से ही पायल देव को लेकर अक्सर ही इंतजार होता है कि पवन जी के साथ अगला सॉन्ग उनका कौन सा होगा। खबर यह है कि एक साथ 3 गानों की रिकॉर्डिंग हो चुकी है और जल्द ही वीडियो शूट भी शुरू की जाएगी। हाल ही में पायल देव लाइव आई थी, जहां पर 2 बातों का बड़ा खुलासा हुआ। लाइव पर आने के बाद सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि कमरिया हिला रही है गाना बनाने का आइडिया कैसे आया और क्यों आखिर कमरिया वर्ड शब्द का इस्तेमाल उन्होंने इस गाने में किया है। दूसरी बात उन्होंने ये भी बताई कि लॉलीपॉप लागे लो का क्या पार्ट 2 आएगा। इन 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम आज बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि पायल देव लाइव आई, जहां पर आने के बाद उन्होंने पवन सिंह साहब की बहुत ज्यादा तारीफ की। बताया उन्होंने कि गाने की रिकॉर्डिंग हो गई है, शूट जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि लॉलीपॉप लागे लो सॉन्ग बहुत ज्यादा उन्हें पसंद था और तब से ही वो पवन सिंह की फैन हुआ करती हैं। कमरिया लॉलीपॉप लागे लो कमरिया ढिंचा कमरिया, ये जो कमरिया शब्द है, ये जो कमरिया शब्द है स्पेशली लॉलीपॉप गाने में, कमरिया शब्द बहुत अच्छा लगा पायल देव को, और इसलिए उन्होंने तय किया कि हम पवन जी के साथ जो गाना बनाएंगे उसके टाइटल में कमरिया शब्द जरूर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कमरिया जो है वो पवन सिंह का फेवरेट वर्ड भी है और पवन सिंह के बहुत सारे गानों में कमरिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यही वजह है कि लॉलीपॉप लागे लो गाने से कमरिया शब्द निकालकर पायल देव ने कमरिया हिला रही है सॉन्ग बनाया, और आलम आपके सामने है। कमरिया इतना ज्यादा लकी वर्ड है पवन सिंह साहब के लिए कि देखते ही देखते गाना वायरल हो गया तेजी से। 8.8 करोड़ व्यूज अब तक जो है इस गाने को मिल चुके हैं। दोस्तों, पायल जब लाइव पर थी तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट में ये भी लिखा, उनसे पूछ रहे थे कि क्या लॉलीपॉप लागे लो पार्ट 2 बनेगा, क्या लॉलीपॉप लागे लो पार्ट 2 बनेगा। हालांकि पायल देव ने इसका कोई जवाब नहीं बताया, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा जरूर एक जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि जब से ये गाना उन्होंने सुना है लॉलीपॉप लागे लो, उनको इतना जबरदस्त पसंद है कि वो अब इस गाने को पवन सिंह साहब के साथ मिलकर गाना चाहती हैं। पायल देव ने गाना गाकर भी सुनाया लॉलीपॉप वाला, और अब इनकी ये ख्वाहिश है कि फिर जब भी पवन सिंह साहब के साथ मुलाकात होगी एक वीडियो वो बनाएंगी जिसमें लॉलीपॉप लागे लू गाना पवन सिंह साहब के साथ गाते हुए का रिकॉर्ड किया जाएगा। एक अहम सवाल जाते जाते इस वीडियो के जरिए हम छोड़े जा रहे हैं, और आकलन भी कुछ यही कहता है। कई बार पवन सिंह साहब से ये पूछा गया है कि क्या लॉलीपॉप 2 गाना आएगा, क्यों नहीं बनाते। पवन सिंह जी ने कहा कि इस पर कभी कुछ सोचा है नहीं, ना ही कभी किसी तरीके का प्रोजेक्ट आया, और ज्यादातर पार्ट 2, 3, 4 में वो उस वक्त विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन आजकल अब उनके गाने के पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आने लग गए हैं। तो हम ऐसी आशा करते हैं कि शायद पायल देव के साथ मिलकर पवन सिंह लॉलीपॉप पार्ट 2 सॉन्ग लेकर आ सकते हैं। अगर ऐसा आता है तो आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं इस न्यूज को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।